बीजेपी विधायक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से बीजेपी विधायक फरार चल रहे हैं और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है, अगर वह 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं देते हैं तो उनकी कुर्की हो सकती है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। यह मामला राजद के नेता तुलसी राय से जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला 26 मई को राजद के नेता तुलसी राय ने भाजपा के विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज कराया गया था, जो FIR पारू थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें बीजेपी के विधायक राजू सिंह समेत आधे दर्जन लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मामला 25 मई की थी, जब तुलसी राय एक शादी समारोह से अपने घर वापस आ रहे थे। उसी दौरान उनका सामना बीजेपी के विधायक राजू सिंह से होता है और जिसके बाद उन दोनों में एक तीखा बहस देखने को मिलता है। उसी के बाद राजू सिंह अपने दल बल के साथ तुलसी राय का किडनैपिंग कर उसे अपने कोल्ड स्टोर पर लेके चले जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ मारपीट किया जाता है। पुलिस कोल्ड स्टोर पर पहुँच के तुलसी राय को अपने साथ लेके चली जाती है और उनका उपचार वहाँ के सदर हॉस्पिटल में किया जाता है, जिसके बाद से ही तुलसी राय काफ़ी नाराज चल रहे थे और वह 26 मई को एक FIR दर्ज कराते हैं, जो कि राजू सिंह के खिलाफ होता है और राजू सिंह को उसमें मुख्य आरोपी बनाया जाता है। 26 मई को प्राथमिकता दर्ज होते ही पुलिस राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर देती है, लेकिन राजू सिंह अपने तमाम सहयोगियों के साथ फरार बताए जा रहे थे। अब इसी पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और उसमें साफ कह दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनका कुर्की कर ली जाएगी। यानी कि अब राजू सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार राजू सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते चली जा रही है। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।